कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को लोकायुक्त की टीम ने 65,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिवनी छपरा के रहने वाले टीकाराम चंद्रवंशी से यह रकम ली गई थी। जमीन विवाद निपटारा करने के लिए पैसे मांगे गए थे। लोकायुक्त की टीम में संभागीय कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को 65,000 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीम के अधिकारियों के मुताबिक सिवनी छपरा के एक किसान टीकाराम चंद्रवंशी से उसकी जमीन विवाद का निपटारा कराने के लिए रिश्वत ली गई है। आवेदक की शिकायत पर संभागीय कमिश्नर कार्यालय में छापामार कार्यवाही की गई। फरियादी है टीकाराम चंद्रवंशी, ये ग्राम पायली खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी के निवासी हैं। इनके पिताजी के नाम की ग्राम पायली खुर्द में लगभग 18 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 7 हेक्टेयर ज़मीन में बंदोबस्त रिकॉर्ड में किसी अन्य का नाम चढ़ गया था, जिसका प्रकरण अपील प्रकरण अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय जबलपुर के न्यायालय में चल रहा है। हमारे फरियादी के पिताजी की पेशी यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय में थी। यहाँ पर ये पेशी के दिन आकर यहाँ के बाबू हैं श्री चंद्र कुमार दीक्षित सहायक ग्रेड 3, इनसे मिले तो इनके द्वारा अपील प्रकरण पक्ष में करने के लिए 65,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 65,000 रुपये ड्राज में डलवाते हुए और इनके कहने पर राज में डलते हुए पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। कार्यवाही के दौरान कमिश्नर कार्यालय में हड़कंप मचा रहा।